ईशाच किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इंदौर की मूंग दाल कचौड़ी, फेमस कचौड़ी बनाना बताएंगे। ये हमने एक कप इससे नाप कर दाल लिया था, गला दिया 2 घंटे। अब इसको हल्का सा बस चन करना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। एक बार मिक्सी में घुमा फ्रेंड, अब दाल को भूनेंगे। ये 1 चम्मच तेल डाल के हमने पैन को चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। ये 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई है। अब इसमें हम हरा मिर्चा डाल देंगे। वैसे 1/2 टीस्पून अदरक। अब इसमें हम दाल डाल देंगे, जो हल्का सा चन करके रखे थे वो दाल डाल देंगे। फ्रेंड, दाल को एकदम सूखा पीसेंगे, पानी के साथ नहीं पीसना है। मैंने पीछे से मैं आपको बताया नहीं था, इसलिए अभी बता दे रहे हैं। पानी एकदम निकल जाए फिर आप पीसिएगा। गैस को धीमा कर देंगे फ्रेंड। अब इसमें 1 चम्मच ये लाल मिर्च, आप मिर्च अपने हिसाब से लीजिएगा, हरी भी और लाल भी। वैसे ये तीखा रहेगा तभी अच्छा लगेगा कचौड़ी। 1 टीस्पून है ये धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 अमचूर भी आप खट्टा ज्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से रखें, हमने 1 ही चम्मच लिया है। 1/2 टीस्पून है ये जीरा पाउडर, घर का भुना जीरा है। तो 1 चम्मच नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार दीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला। फ्रेंड, इसमें हम 1/2 टीस्पून काला नमक भी डाल रहे हैं और ये 1/4 कप बेसन। अब इसे अच्छे से भून लेंगे सारे चीज मिलाकर। फ्रेंड, ये भून चुका है। अब इसमें धनिया डालकर गैस बंद कर देंगे और चलिए अब इसका कचौड़ी का डो लगाते हैं। ये हो चुका है, इसको साइड रख देंगे। फ्रेंड, डो के लिए हमने ये मैदा लिया है, 1 कप मैदा है, 1 चम्मच नमक और ये है 3 टेबल स्पून ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं और आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं आटे में। इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट नहीं और बहुत ही टाइट आटा नहीं लगाना मुझे, नॉर्मल गूंथेंगे। और जब मोयन देते हैं तो उसमें ये देख लीजिए कि ये जब ऐसे करें और ऐसे ये बन जाए तो समझ लीजिए कि ये मोयन अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आप 1 चम्मच और ऑयल ले सकते हैं। देखिए ये हो गया है। अब इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा गूंथ लेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे पानी। देखिए फ्रेंड, ये हो गया। अब इसको 15 मिनट के लिए आटे को ढक के रख देंगे। अब हम कचौड़ी बनाते हैं। इसमें से 1 नींबू के आकार का लोई लेंगे, एकदम देखिए ऐसे बेलना नहीं है। आप इसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और बस किनारा इसको पतला कीजिए, बीच में मोटा रखिएगा, किनारा पतला करते रहिए। आप ऐसे से भी कर सकते हैं, आप बेल भी सकते हैं, पर बेलने से क्या है एक बराबर हो जाएगा। हमको कचौड़ी बनानी है तो आप किनारे को ऐसे पतला करिए, बीच में मोटा ही रखिएगा, ऐसे करके बढ़ाइए आप इसको, थोड़ा बड़ा हो जाए। फ्रेंड, अब इसको जो मूंग दाल के बैटर को बनाया था हमने मिक्स कचौड़ी का, उसको ऐसे रख लेंगे और ऐसे कचौड़ी को इसी तरह सारा भर के
तैयार कर लेंगे। हमने तेल चढ़ा दिया, तेल बहुत गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है, क्योंकि हमको तेज आंच पे इसको नहीं तलना है, तभी खस्ता बनेगी हलवाई जैसे, वरना आपकी कचौड़ी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। इसको हल्के हाथ से ऐसे आप बीच से ऐसे दबा दीजिए, बस इसी तरह सारा तैयार कर दीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह सारा भर लेंगे। अब तेल गरम हो गया है, मतलब मीडियम है, बहुत हाई गरम नहीं करना है। उसमें अब आपको इसको डाल देना है और धीमी ही आंच पे बनाना है। और फ्रेंड एक बात और बता दें, अगर आपका ये बैटर बच जाता है तो आप इसको एयरटाइट डब्बे में करके फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रख दीजिएगा। फ्रीजर में रखिएगा और जब बनाना हो एक घंटा पहले निकाल कर बाहर रख लीजिए, काफी दिन चलता है ये। तो चलिए फ्रेंड इसको तल लेते हैं। फ्रेंड देखिए ये हो गया है, मतलब हो रहा है। जब ये एक तरफ हो जाता है अपने आप ये ऊपर आ जाएगा। आपको धीमे ही आंच पे रखना है, स्लो फ्लेम पे ही। ये धीरे धीरे होगा, टाइम तो लगता है पर बहुत अच्छा बनता है। देखिए फ्रेंड ये बन के तैयार है, देखिए एकदम अच्छे से हो गई है। अब हम आपको इसको बना के दिखाते हैं। अब आप चाहे जैसे मन करे वैसे खाइए, चाहे हरी, देखिए कितनी क्रिस्पी है, देख लीजिए फ्रेंड, है ना। चाहे आप सिर्फ हरी चटनी से खाइए, चाहे या तो छोले के संग, हम दोनों तरह से बना के आपको दिखाएंगे आज। और अपने घर में बनाइए और खाइए, देखिए फ्रेंड कितनी क्रिस्पी है, एकदम खस्ता बनी है। अब इस पे हम छोला डाल देंगे, आपका मन जैसे आप खाइए, चाहे छोले के संग चाहे हरी चटनी के संग। आप इमली की चटनी के संग भी खा सकते हैं। अब इस पे थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे, इमली की चटनी डाल दीजिए, आप इस पे भी डाल सकते हैं, अगर खाते हो तो ज़रूर डालिए। थोड़ी सी दही डाल दीजिए, दही में हमने थोड़ी सी शक्कर डाली है फ्रेंड्स, मुझे मीठी दही पसंद है। अब इस पे आप सेव डाल दीजिए, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि नमक सब में है, इसलिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड बन के तैयार है, अब आप इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।